दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं नास्त्रेदमस, जो कि एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है आज की जनरेशन के लिए। उनकी दी गई भविष्यवाणियों पे इस समय दुनिया के अंदर बहुत सारी घटनाएं सच भी साबित हो रही है। फ्रांस के नास्त्रेदमस ने धरती पे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी दे दी थी। इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वह अपनी भविष्यवाणी पर बात करने के लिए कविताओं में वर्णन क्या करते थे। नास्त्रेदमस 16वीं सदी के भविष्यवक्ता थे, जिनका जीवन काल 1503 से लेकर 1566 तक रहा। नास्त्रेदमस न केवल भविष्यवक्ता, वह डॉक्टर और शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज करते थे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया था। अधिकांश शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक सूत्रों का कहना है कि दुनिया की घटनाओं और नास्त्रेदमस के शब्दों के बीच दिखाए गए संबंध काफ़ी हद तक गलत व्याख्यान या गलत अनुवाद का परिणाम है, या फिर इतने कमजोर है कि उन्होंने वास्तविक भविष्य बताने की शक्ति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना बेकार है। कुछ गलत व्याख्याता या गलत अनुवाद तो जानबूझकर भी किए गए, के बावजूद भी ये भविष्यवाणी आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई। भविष्य की बातों को हजारों साल पहले घोषणा करने के लिए मशहूर नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में सेंट रेमी में हुआ था। इनका नाम मिशेल दी नास्त्रेदमस था। बचपन से ही इनकी अध्ययन में काफ़ी अच्छी दिलचस्पी रही थी। उन्होंने लेटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों पर विशेष महारत हासिल कर ली। नास्त्रेदमस ने किशोरावस्था से ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। ज्योतिष के प्रति उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने माँ बाप को बड़ी चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उस समय वहाँ के जो कट्टरपंथी ईसाई समुदाय के लोग हैं, इस विद्या को अच्छी तरीके से नहीं देखते थे। ज्योतिष से नास्त्रेदमस का ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ने मॉन्टपेलियर भेज दिया गया, जिसके बाद वह 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर नास्त्रेदमस चिकित्सक बन गए। 13 अक्टूबर 1529 में उन्होंने मॉन्टपेलियर से ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली और उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गए। उनकी पहली पत्नी के देहांत के बाद 1547 में वे यूरोप जाकर उन्होंने एन नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान उन्होंने भविष्यवक्ता के रूप में खासा नाम कमाया। यह एक किस्सा उनके जीवन का कि एक बार नास्त्रेदमस अपने मित्र के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे। उन्होंने एक वहाँ पे युवक को देखा। जब वह युवक उनके पास आया, उस युवक के आगे नास्त्रेदमस ने सिर झुका के नमस्कार किया। नास्त्रेदमस के साथ में जो उनके मित्र थे वो आश्चर्यचकित होकर इसका कारण पूछने लगे। तब उन्होंने नास्त्रेदमस ने ये बात बताई कि ये व्यक्ति आगे जाके पॉप का आसन ग्रहण करेगा। किंवदंती के अनुसार वास्तव में वह व्यक्ति फेलिस पेरेती था, जिनको 1585 में पॉप चुना गया। नास्त्रेदमस के बारे में ऐसी काफी बातें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की ख्याति सुन फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नास्त्रेदमस अपनी इच्छा से ये जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे अल्पायु में ही मर जाएंगे, लेकिन ये सच कहने में उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने अपनी बात को प्रतीकात्मक छंदों में पेश की। इसी बात को तय कर लिया कि उन्होंने भविष्य में जब भी कोई बात वह भविष्यवाणी के रूप में करेंगे तो वह केवल छंदों में ही व्यक्त करेंगे। 1550 में नास्त्रेदमस ने चिकित्सा के पेशे को छोड़ अपना पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या पे लगा दिया और उसी साल उन्होंने अपना खुद का एक पंचांग निकाला। उस पंचांग में ग्रह की स्थिति, मौसम और फसलों आदि के बारे में पूर्व अनुमान होते थे और वह सारे अनुमान उनके सत्य साबित होते थे। नास्त्रेदमस ज्योतिष के साथ साथ जादू से जुड़ी किताबों का भी अध्ययन काफी किया करते थे। नास्त्रेदमस ने 1555 में भविष्यवाणी से व्यक्त अपने पहले ग्रंथ सेंचुरी का प्रथम भाग का लेखन पूरा किया था, जो कि सबसे पहले फ्रेंच, बाद में अंग्रेजी, जर्मनी, इटालवी, रोमन, ग्रीक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने फ्रांस में इतना तहलका मचा दिया था कि उस समय की यह सबसे महंगी किताब होने के बावजूद हाथों हाथ बिक गई थी। कुछ व्याख्याकारों का मानना था कि इस किताब में कई छंदों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें नेपोलियन, हिटलर, कैनेडी आदि के संबंध में घटनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। व्याख्याकारों के अनुसार नास्त्रेदमस के अनेक छंदों में तीसरे विश्व युद्ध का पूर्व अनुमान और दुनिया के विनाश के संकेत को भी समझ लेने में सफलता प्राप्त कर लेने का दावा किया जाता था। अधिकांश शैक्षणिक और वैज्ञानिक सूत्रों को कहना है कि ये व्याख्याताएं गलत अनुवाद या गलत फहमी का परिणाम है और कुछ गलतियां तो जानबूझकर भी की गई। नास्त्रेदमस के जीवन के अंतिम समय बहुत कष्ट भरे गुजरे थे। फ्रांस का न्याय विभाग उनके विरुद्ध ये जांच कर रहा था कि वह वास्तव में जादू टोने का सहारा तो नहीं ले रहे। अगर ये सिद्ध हो जाता तो वे वास्तविक दंड के भागी होते, लेकिन जांच का निष्कर्ष ये निकला कि वे वास्तविक रूप में कोई जादूगर नहीं बल्कि ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं। उन्हीं दिनों नास्त्रेदमस जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। उनके शरीर पे एक फोड़ा हो गया था, जिसके काफी उपाय करने के बाद तक भी वह ठीक नहीं हो पाया। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास हो चुका था, इसलिए उन्होंने 17 जून 1566 को अपनी वसीयत तैयार करवाई। 1 जुलाई को पादरी को बुलाकर
अपने अंतिम संस्कार के निर्देश दिए और उसके बाद 2 जुलाई 1566 में मशहूर भविष्यवक्ता का निधन हो गया। यहाँ कहा यह जाता है कि अपनी मृत्यु की तिथि और समय की भविष्यवाणी वे पहले से कर चुके थे। एक व्याख्याता के अनुसार नास्त्रोदमस ने अपने संबंध में जो कुछ गिनी चुनी भविष्यवाणी की थी उनमें से एक ये भी थी कि कुछ समाज के तत्व उनकी मौत के 225 साल बाद उनकी कब्र खोदेंगे और उनके अवशेष को निकालने का प्रयास करेंगे और जो ऐसा करेंगे उनकी मौत तुरंत हो जाएगी। वास्तव में जो हुआ कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने नास्त्रोदमस की कब्र खोदी जिनकी तुरंत ही मौत हो गई थी।